का स्टाफ और अन्य स्टाफ के सचिवालय में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इससे तंग आकर अब डीओपी की सुरक्षा विंग हरकत में आई है। उसने मंत्री और अन्य स्टाफ की ओर से महज फोन पर बताकर वाहनों की एंट्री कराने से रोक लगा दी है। इसके बजाय पास लेकर प्रवेश की व्यवस्था से सुरक्षा में सुधार आने का दावा तो किया जाता रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अहम सुधार करने वाले कदम नहीं उठाए जाने से अभी भी इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। सचिवालय की सुरक्षा ताक पर रख दी गई है। जी हाँ, मंत्रियों का स्टाफ या अन्य स्टाफ ही ये खिलवाड़ कर रहा है। सचिवालय के तीन अहम गेटों में से ये स्टाफ सुरक्षा अधिकारियों को महज गाड़ी का नंबर लिखाकर एंट्री करवा देता है। क्योंकि ये फोन दिन प्रतिदिन के परिचित स्टाफ की ओर से होता है तो ऐसे में इजाजत दी जाती है, लेकिन इसके चलते सुरक्षा को लेकर खतरा हो रहा है। स्टाफ की ओर से फोन पर वाहन नंबर लिखाया जाता है। सुरक्षा अधिकारी जिस गेट से गाड़ी आ रही है उसके गार्ड को सूचित करता है और वाहन की एंट्री होती है। तभी सुरक्षा प्रक्रिया की बड़ी खामी नजर आती है। जब वाहन की एंट्री होती है तो उसमें कितने आदमी होते हैं ये नहीं देखा जाता। इसमें से कितने वैध पास धारी हैं ये पता करने की कोई जहमत नहीं उठाता। लिहाजा सिर्फ एक फोन से वाहन में बैठकर कितने भी आगंतुक बिना पास के प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता रहा है, जिसे मानी जाती है सुरक्षा की बड़ी खामी। जब सचिवालय कर्मचारियों और लेखा सेवा अधिकारियों का टकराव सामने आया तब भी कई बाहरियों की जानकारी सामने आई थी। पूर्व में पटवार संघ सरपंचों के जुटने का मामला भी सामने आता रहा है। जब तब बेरोजगार संघ से जुड़े पदाधिकारी और प्रतिनिधि चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं। अब स्टाफ की ओर से फोन पर गाड़ी नंबर लिखाकर वाहन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। सचिवालय के हर आगंतुक को बनवाना होगा वैध तरीके से पास। पास से ही सचिवालय में एंट्री हो सकेगी। इससे वाहन की एक बार एंट्री के बाद जिस तरह दिन भर बाहरी अवांछनीय लोग घूमते हैं उन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। यह सुरक्षा को लेकर उठाया गया महज छोटा सा कदम है, लेकिन इसके साथ ही अन्य एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए गए? स्वागत कक्ष में आगंतुक हो या सचिवालय के कर्मचारी, सभी के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके बजाय कर्मचारियों के लिए एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखा गया है, तो आगंतुकों के लिए एक एंट्री पर एग्जिट पॉइंट रखा गया है। 10 अक्टूबर 2021 को राधेश्याम मौर्य नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। ये तब हुआ जब सीएम गहलोत सचिवालय के नए बने रिसेप्शन का उद्घाटन करने वाले थे। मौर्य पहले की तरह सुरक्षा को बताते हुए पूर्व संयुक्त सचिव वित्त टीना डाबी के कक्ष में घुस गया था। इससे पूर्व 17 अगस्त 2021 को वो डाबी के कक्ष में घुसा था। तब सचिवालय के सुरक्षा अधिकारियों ने उससे बिना आईडी लिए जाने दिया था। यूपी के रहने वाले इस शख्स ने सचिवालय के खोखले सिस्टम का फायदा उठाया था। तब शख्स को पकड़ा तो सही, लेकिन ना तो उसकी आईडी ली और ना ही गहन पूछताछ की गई। पकड़ने के बाद पुलिस को नहीं बुलाया और छोड़ने से पहले उच्च अधिकारियों को नहीं बताने की भी चर्चा है। ऐसे में फिर एक बार आईबी की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के तमाम उपाय करके व्यवस्था को हाईटेक बनाने की मांग की जा रही है। दरअसल सचिवालय में सुरक्षा के उपायों को लेकर बार बार चर्चा होती रही है, लेकिन सही मंशा नहीं होने और नेक नीति नहीं होने के चलते ऐसे सुरक्षात्मक उपाय कभी लागू नहीं हो पाए हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।